दुनिया में अप्रॉक्स 6,70,000 आइलैंड्स हैं। इनमें से कुछ आइलैंड बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, जैसे कि पिछले की वीडियो में हमने बात किया था ईस्टर आइलैंड के बारे में। और आज इस वीडियो में एक दूसरे आइलैंड के बारे में बात करेंगे हम, जो आइलैंड जाना जाता है द आइलैंड ऑफ डॉल्स के नाम से। आइलैंड ऑफ डॉल्स बेसिकली मेक्सिको सिटी के दक्षिणी क्षेत्र में स्टाडियो एस्टे का फुटबॉल स्टेडियम के पास एक छोटा सा आइलैंड है। इस आइलैंड पे आप अलग अलग स्टाइल के विभिन्न रंग के डॉल्स देख सकते हैं जो कि पेड़ से लटक रहे हैं। कहा जाता है कि इन डॉल्स को इस जगह के ओनर जूलियन संटाना बरेरा ने लगाया था। असल में जूलियन ने कुछ साल पहले एक पानी में डूबती हुई बच्ची को नहीं बचा पाए थे, तो जूलियन ने उस बच्ची की याद में इस आइलैंड को डॉल्स से भर दिया। जूलियन की 2001 में हार्ट अटैक के चलते डेथ हो गई। कहा जाता है कि जूलियन की लाश उस जगह के करीब मिली जहाँ वो लड़की डूबी थी। ये आइलैंड 1950 को दुनिया के सामने आने लगी जब यह रैंडमली डॉल्स का अपीयर होना शुरू हुआ। कहा जाता है जूलियन जो यहाँ के ओनर थे उन्हें उस बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। वो बच्ची रोते हुए कहती थी आई वॉन्ट माई डॉल्स, और जब भी जूलियन अपने घर से बाहर निकलते थे तो उन्हें हर बार एक नया डॉल मिलती थी पेड़ से लटकती हुई। जूलियन की डेथ के कारण उस बच्ची की स्पिरिट को कहा जाता है। इस आइलैंड में ऐसा ही और भी मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं जो कि साइंस से परे हैं। ये सच है या झूठ हम नहीं जानते, लेकिन इन्फॉर्मेशन बताती है कि यही हिस्ट्री थी।